आप नहीं रोए ठीक है सुधा जी को क्या हो गया रात को 7:30 बजने को आ रहे हो गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं जी सोच रहे होंगे सर आप मानो गुड मॉर्निंग क्यों बोलते हैं हम लोग जोरदार तालियां भाई साहब मुझे हमारी टीम है रतन जी की उन्होंने मुझे बोला कि सर आज आया भाई है उसको शेयर करिए पॉइंट्स कि जैसे कि अब आप एक क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे पहुंचे हैं आपने जो शुरुआत की और जो सफर आपका रहा उसके बारे में थोड़ा सा हमारी टीम को बताइए जब हमारे जो नए लोग हैं जो जुड़ रहे हैं वेस्टीज के अंदर तो मैंने बोला जरूर वो कहता ना कि एक अपना एक्सपीरियंस बांटने से एक्सपीरियंस बहुत बढ़ता है ठीक है और मुझे भी आप लोगों से सीखने को मिलेगा आज बिकॉज मैं तो ये सोचता हूँ कि इंसान रोज कुछ ना कुछ नई चीज सीखता है और वो उसकी सीखने की सिर्फ वो मन में मनसा होनी चाहिए कि मुझे सीखना है तो हर इंसान हर किसी ना किसी को नई चीज सिखाता है मैं आपको अपना कोई प्रेजेंटेशन नहीं दे रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस और अपना जो मेरा सफर रहा है वेस्टीज में उसके बारे में शेयर करना चाहूंगा जैसे कि इन्होंने बताया कि आज हमारे गुरु सिद्धार्थ सिंह जो हमारे ग्रेट अपलाइन है उनका बर्थडे है और अभी मेरी थोड़ी देर पहले उन्हीं से बात हुई है तो वो मुझे कह रहे हैं कि जल्दी आ जाओ पार्टी शुरू होने वाली है मैंने कहा सर मेरा चैंपियंस डे है मैं अभी नहीं आ सकता आप इसे सीखा है पार्टी बनाने के लिए मैंने सर चैंपियंस डे की पार्टी खत्म करता हूँ आपकी पार्टी दोबारा अटेंड करता हूँ तो बहुत खुशी की बात है हमारे लिए कि आज सिद्धार्थ भाई का बर्थडे है और मुझे काफी कुछ सीखने को मिला मुझे इस सिस्टम में लाने वाले सिद्धार्थ सिंह है बिकॉज मेरे को याद है जब मैं नौकरी किया करता था एक अच्छी जॉब थी मेरी एमएनसी में काम करता था एक अमेरिकन कंपनी के अंदर ब्लैकस्टर कंपनी का नाम है 10 साल उस कंपनी में काम किया और सिद्धार्थ भाई को ग्रो करते हुए देखा वेस्टीज में तो सिद्धार्थ जी ने 2008 में ज्वाइन किया था यहाँ पर उनको ग्रो करते हुए देखा और सिद्धार्थ जी मुझे कहते थे भाई छोड़ दे नौकरी मेरे साथ आ जाओ लेकिन वो होता है ना एक आप एक कम्फर्ट जोन के अंदर होते हो जब आपकी एक अच्छी जॉब चल रही होती है और हर महीने अच्छी सैलरी आ रही होती है घर में पैसा आ रहा होता है तो टेंशन नहीं होती इंसान खर्च भी उस हिसाब से करता है हमारे यहाँ पे कहते हैं ना वो जितनी चादर होती है उतने पाव के नाम चाहिए ठीक है तो उसी हिसाब से कोई टेंशन नहीं थी लेकिन एक प्रॉब्लम था कि घर में घर वालों के लिए टाइम नहीं था मेरे पास बिकॉज आप जानते हैं कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर जब हम एक किसी भी प्राइवेट कंपनी के अंदर काम करते हैं और एक अच्छे लेवल पे एक अच्छे डेजिग्नेशन पे होते हैं सैलरी तो अच्छी मिलती है लेकिन वो आपका टाइम आपसे ले लेते हैं वो दो चीजें आपको दे देते हैं एक मोबाइल फोन और एक लैपटॉप वो आप बंद नहीं कर सकते अगर आप वो बंद कर देंगे तो आपको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है रिटर्न मेल के अंदर कि आपका मोबाइल फोन क्यों बंद था और आपका लैपटॉप क्यों बंद था तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काफी एंजॉय किया मैंने लाइफ में अक्सर मैं अपने लोगों को अपनी टीम को एक बार बताता हूँ रुकता था 5-स्टार होटलों में लेकिन रात को नींद नहीं आती लोग सोचते हैं कि हम 5-स्टार में कभी जाएंगे खाना खाएंगे इतना पैसा होना चाहिए लेकिन मेरे पास जैसे मैंने आपको बताया एक अच्छी कंपनी में काम करता था नेशनल सेल्स मैनेजर था रेडिसन जैसे होटल पार्क जैसे होटल जितने भी बड़े होटल हैं उन रात क्राउड प्लाजा जैसे होटल में रात को रुकना सारा दिन तो टाइम निकल जाता था काम के अंदर लेकिन रात नहीं कटती थी क्योंकि वहां पे साथ में फैमिली नहीं होती थी ठीक है तो ये चीज अब घर करने लगी थी मेरे अंदर कि मुझे भी कुछ चेंज करना चाहिए वो कहते हैं ना प्रकृति का नियम है चेंज जरूरी है क्योंकि तो अगर आप एक काम कुछ सालों में करते रहोगे तो उससे इंसान उब जाता है कि भैया बस बहुत हो गया मेरे से नहीं हो पाएगा ठीक है तो मैं अक्सर ये बात भी बताता हूँ कि जब मैं होटलों में रुकता था तो वो होटल में जो रिसेप्शनिस्ट होते थे या जो वहां के मैनेजर होते थे वो बड़े खुश होते थे मुझे देखकर वो मुझसे पूछते थे सर इस बार कितने दिन मिले 4-5 दिन मिले तो रुकोगे ना हमारे साथ मैं जितना टाइम मैं अपने पूरे महीने में अपनी फैमिली के साथ नहीं गुजारता था मैं होटलों में गुजारा करता था उसके बाद जी ने मुझे समझाया कि सिस्टम में आओ मेरे साथ सीखो इसको नेटवर्क मार्केटिंग का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं था मेरी पहली कंपनी है वेस्टीज ठीक है और सिस्टम को सिद्धार्थ जी के साथ मैंने सीखा सिद्धार्थ जी के साथ रहकर क्योंकि मुझे सोचना शुरू कर दिया था कि मुझे अब ये काम करना है तो सबसे पहले सिद्धार्थ जी ने बोला कि सीखना जरूरी है तो सीखना शुरू किया सिद्धार्थ जी को देखा उनके साथ रहना शुरू किया उनकी मीटिंग्स को अटेंड करना शुरू किया सक्सेस सेमिनार में जाना शुरू किया सीएनटी अटेंड करना शुरू किया और एक दिन सिद्धार्थ जी ने बोला हाँ भाई सीएनटी आती है हाँ सर कर लेंगे तो ठीक है संडे को आईटीओ कर रहे
वहां पे खड़े हो गए सीएनडी करनी, तो तैयारी करी घर के अंदर और पहुंच गया संडे को मैं सीएनडी करने के लिए, क्योंकि मैं जिस कंपनी में काम करता था मेरी रिपोर्टिंग थी मेरे जनरल मैनेजर को हुआ करते थे, हमारे जो बीओडीज होते थे जो डायरेक्टर्स होते थे, तो करीब 40-50 बंदों को मैं आराम से एड्रेस कर लिया करता था, मेरे को वो फियर फैक्टर नहीं था कि यहाँ पे खड़े होकर बोलना है तो मुश्किल होगी। लेकिन जब मैं आईटीआई पहुंचा उस दिन वहां पे एक एमबी की क्लास चलती है बेसमेंट के अंदर एनडी तिवारी भवन के अंदर, वो क्लास उस दिन थोड़ा सा लेट हो गई, पहला जो हमारी सीएनटी की जो क्लास थी या जो हमारा पहला वाला जो सेशन होना था वो थोड़ा डिले हो गया। वो डिले होने के बाद सर क्या हुआ कि दूसरा सेशन वाले जो लोग थे वो भी आने शुरू हो गए, और जब सेशन शुरू हुआ तो वो हॉल पूरा क्राउडेड, मतलब जहां पे 300 लोग बैठ सकते हैं वहां पे कम से कम 500 से 550 लोग खड़े। ठीक है, अब पहली बार बोल रहा था स्टेज पे चढ़ा तो समझा कि आज तो शब्द बोल नहीं पाऊंगा, एक फियर फैक्टर दिमाग में आ गया और मैं ब्लैक हो गया। सच्ची बता रहा हूँ मैं आपको अपने सामने, मैं बिल्कुल ब्लैक हो गया, ऐसा लगा कि जमीन मेरे पैरों के नीचे से निकल गई है। मैंने सिद्धार्थ जी को मैसेज डाला कि सर मैं आज नहीं करता। सिद्धार्थ ने बोला क्या हुआ, तो कहता था ये हूँ मैं वो, मैंने कहा सर बिल्कुल सही बात है बिल्कुल, लेकिन एक हफ्ते की मोहलत, ये फियर फैक्टर जो मेरे सामने अभी हुआ है मुझे इसको आउटकम करना है, मुझे एक हफ्ता दे दो मैं और प्रैक्टिस करूंगा, और अगले हफ्ते संडे को मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे मैं अगले संडे को यहाँ पे सीएनटी जरूर करने के लिए आऊंगा, लेकिन आज के लिए माफी है। तो मैं वहां से निकला बड़ी अपने अंदर एक वो एहसास लेके निकला कि मैं बोल क्यों नहीं पाया, मुझे बड़ा महसूस हुआ कि मुझे बोलना चाहिए था लेकिन मैं क्यों नहीं बोल पाया। बाहर आके मुझे वो सब चीजें याद आनी शुरू हो गई कि मुझे क्या बोलना चाहिए था, जैसे कंपनी की प्रोफाइल की पहली स्लाइड चलती है, लेकिन अब मुझे बाहर आके याद आना शुरू हुआ कि वेस्टीज का मतलब क्या होता है, कंपनी की प्रोफाइल क्या होती है, गौतम बाली जी कौन है, लेकिन थोड़ी देर पहले मैं सब कुछ भूल चुका था। ठीक है, घर गया, घर में शीशे के सामने खड़े होकर प्रैक्टिस करनी शुरू करी, मेरे बच्चे मुझे कहते हैं पापा भी क्या कर रहे हो, बोल रहे हो अपने आप से, मैंने बेटे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मुझे वहां पे खड़े होकर सीएनटी करनी है, तो मेरे को जो फियर फैक्टर है अपने अंदर से निकालना है। सब प्रैक्टिस करी, भगवान का आशीर्वाद लिया, भगवान को अरदास करी कि भगवान मुझे वो ताकत देना कि मैं बोल पाऊं, इस पर ही मैं जगमगा ना जाऊं उस जगह से। अगले हफ्ते गया, अगले हफ्ते भी सेम फैक्टर हुआ मेरे साथ, कहते ना भगवान भी ध्यान देता है। ठीक है, उस दिन भी वो क्लास डिले हुई, अगला क्राउड फिर उस सेशन में आया और फिर 500-600 बंदा खड़ा है, लेकिन उस दिन मैंने वो सीएनटी करी, वो मेरी पिक्चर्स उन्होंने क्लिक करी। मेरे साथ दिनेश शर्मा जी हुआ करते थे वहां पे, अभी भी है जो क्राउड डायरेक्टर है, दिनेश शर्मा जी ने मेरी पिक्चर क्लिक करी और सिद्धार्थ जी को व्हाट्सएप किया, सिद्धार्थ जी ने वहां से रिप्लाई किया वाह शाबाश मेरे शेर तू आगे बढ़े। अगले संडे मेरी 3-4 संडे में लगातार गया, क्योंकि मैं अपना डर पूरी तरह से खत्म करना चाहता था, मैं चाहता था कि वो डर किसी तरीके से मेरे अंदर दोबारा ना आ जाए। उसके बाद सिस्टम को सीखना रहा, सीखता रहा और सीएनटी करके जाता था, सक्सेस सर्विस अपनी टीम को बिल्ड करना शुरू किया। टीम में वही होता है अक्सर, जब हम नया नया सिस्टम ज्वाइन करते हैं, नया नया लोगों को समझाते हैं, कई लोगों को नहीं समझ में आता, कई लोग आपको मना कर देते हैं। ठीक है, अक्सर मैंने सिस्टम में देखा नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर की जब हम अपने लोगों के पास ही जाते हैं, जब अपना कोई मना करता है तो एक ना करनी जो सुननी पड़ती है वो बड़ी मुश्किल पड़ती है, दूसरे बंदे की ना सुननी पड़ती है बड़ी मुश्किल पड़ती है, तीसरा बंदा भी जब अपना भी जानकार का होता है वो ना करते थे कहते बेकार काम है भाई तू फंस गया तेरा कुछ नहीं होने वाला, वो इतनी अच्छी नौकरी करता था है उन्हें वो छोड़ दी और ये काम शुरू कर दिया, तूने तो अपना बेड़ा गर्क कर लिया भाई। मैंने भाई कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है सिस्टम के ऊपर, मेरे को बिलीव था सिस्टम पर, मुझे बिलीव था सिद्धार्थ जी की ग्रोथ पर, मुझे बिलीव था इस मार्केटिंग प्लान पर, मुझे बिलीव था अपनी मैनेजमेंट पर, मुझे मालूम था कि कई लोगों को मैंने यहाँ पर सक्सेस पाते हुए देखा था, तभी मैंने इस ट्रेनिंग्स को पहले लेना शुरू किया, उसको पूरा सोचने समझने के बाद अपनी नौकरी से रिजाइन किया। अप्रैल 2016 से मैंने शुरुआत की। ठीक है, अप्रैल 2016 में मेरा पहला चेक आया सर 139 रुपए का, क्योंकि टीम नहीं थी, मेरे साथ मेरे लोग नहीं थे, मेरे अपनों ने ही मुझे मना कर दिया कि हम ये काम नहीं करेंगे आपके साथ। उन्होंने बोला तुम 50,000 रुपए महीना नहीं कमा सकते, ये ऐसी कंपनियां कई आई कई चली गई। तो मैंने उनको बोला सर कोई बात नहीं, लेकिन मैं बस सिस्टम में बिलीव करता हूँ, मुझे लगता है कि मैं कमा सकता हूँ, और 6 महीने के बाद मेरा चेक आया 58,000 रुपीज का।
जिन्होंने मेरे को मना किया था, जिन्होंने मेरे को चैलेंज दिया था कि आप 50,000 में महीना नहीं कमा सकते, मैं उनके पास वापस गया और बोला कि भाई देखो 58,000 अब तो आ जाओ। तो सर ये सब बेकार है, वो तो तुक्का लग गया आपका, ये तो बस हो नहीं सकता, अगले महीने तो आएगा ही, 1,00,000 तो पहुंचोगे ही। सर अप्रैल 2017 में मेरा चेक आया 1,02,000 रुपये का, एक साल के बाद मैं उन लोगों को फिर वापस गया। ये होता ना सर, आप इमोशनली कनेक्ट होते हो, ठीक है, अपने लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ उठना बैठना है, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, आप सोचते हो मेरा तो भला हो रहा है, मैं इतना भी कर दूं, ठीक है, मेरे को एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी मिली है तो मैं इनको क्यों ना बताऊं, ठीक है। तो मैंने उन लोगों के पास दोबारा वापस किया, मैंने भी अब तो 1,00,000 रुपए आ गया, आ जाओ सिस्टम में, सीख लो मेरे साथ, तो मुझे भी अच्छे लोग चाहिए। सर टीम वर्क का काम है, नेटवर्क का बिल्डिंग का क्या चाहिए, हमें अच्छी टीम चाहिए ना, अच्छी टीम तभी मिलेगी जब अच्छे लोग आपके साथ जुड़ते हैं, जिनका आपको ट्रस्ट होता है। तो ट्रस्ट इंसान किस पे करता है, अपने दोस्तों पे, अपने रिश्तेदारों पर, ठीक है, और किसी को हम जानते नहीं, लेकिन जिनको हम जानते हैं उन्हीं से बात करते हैं सबसे पहले। मैं उनके पास वापस गया, मैंने बोला भाई अपनी बहनों के पास, अपने ब्रदर्स के पास गया, सबके पास, जो मेरे कजन थे, मैंने बोला कि आ जाओ मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा सिस्टम को सिखाने में, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुमने कोई पैसा नहीं लगाना, ठीक है, मैं 1,00,000 रुपए पहुंच गया, तुम भी कमा सकते हो घर बैठे, टाइम फ्रीडम है मेरे पास आज की डेट में, जो पहले नहीं हुआ करती थी, ठीक है। आज मेरी मर्जी है मैं काम करूं या ना करूं, आज मेरी मर्जी है मैं घर में बैठ के छुट्टी मनाऊं, तो आज मेरे पास टाइम फ्रीडम है और इस काम में सिक्योरिटी है, जो मुझे समझ में आई थी। बिकॉज मेरे को सिद्धार्थ जी ने यही बता दिया था, तुझे कल कुछ हो जाता है तो तेरा जो भी नेटवर्क है वो तेरी वाइफ के नाम पे शिफ्ट हो जाएगा, जो भी पैसा तेरे अकाउंट में आ रहा है वो तेरी वाइफ को मिलना शुरू हो जाएगा। तो अपने लोगों ने फिर मुझे मना कर दिया, उन्होंने बोला जी नहीं सर आप 1,50,000 रुपए में नहीं बोल सकते, 1,00,000 तो कमा लिया आपने, ठीक है। मैं बड़ा परेशान हूं, अपने लोगों को समझ क्यों नहीं आ रही, इंसान सोचता है ना जिनके साथ इमोशनली कनेक्ट है और उन्हीं के साथ उठना बैठना है, और वो लोग आपका फोन उठाना बंद कर देते हैं, वो लोग आपसे बात करनी बंद कर देते हैं, तो आप क्या सोचते हो कि मैंने क्या गलती कर दी, मैं तो उनको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूं, अभी वो 15,000-20,000 की नौकरी कर रहे हैं या 50,000 की नौकरी कर रहे हैं, किसी की नौकरी करना सर सुबह 10 घंटे से, सुबह से लेकर शाम के 10 घंटे की नौकरी कर रहे हैं तब तक पैसा कमा पाते हैं, कोई छुट्टी के नाम पर छुट्टी नहीं मिलती, ठीक है, नए लोगों को जॉब नहीं मिलती। तो मैं उनको समझा रहा हूँ कि तुम मेरे साथ आ जाओ तो इस सिस्टम से पैसा कमाओ। वो क्या कह रहा है, नहीं भैया ये सब बेकार काम है, हम तेल साथ नहीं दे सकते। मैंने बोला हमने किसी को बेचने का बना बोला ही नहीं, क्या हमने किसको सेल्समैन बनाया बताओ, मेरी जो टीम है उसके अंदर तो सेल्समैन तो है नहीं, हमारा काम है यहाँ पे लोगों को लीडर्स बनाना, एंटरप्रेन्योर बनाना, आपको बिजनेसमैन बना रहे हैं, बिजनेस वुमन बना रहे हैं यहाँ पर, हम आपको सिस्टम सिखा रहे हैं, लेकिन वो आपके अंदर से वो एक बिलीव होना चाहिए कि आपको सीखना है और आप कर सकते हैं। सबसे बड़ा बिलीव कि मैं कर सकता हूं, आधे लोगों के पास तो वही नहीं है, जिनसे बात करो अरे सर मैं तो बोल ही नहीं सकती, मैं तो बोल ही नहीं सकता, इनसे से नहीं हो पाएगा। वो सारा दिन वैसे उन लोगों को देखो वो चिटर 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 किसी ना किसी के साथ कर रहे होते हैं, अगर लेडीज की बात करें किसी ना किसी सीरियल की टॉपिक, किसी ने किसी प्रोडक्शन का टॉपिक, वो सारा दिन सुबह शाम लगा होता है, वहां पे बात नहीं हो रही भैया, यहाँ पे क्या है, एक सिस्टम सिखाते हैं आपको कि किस तरीके से बात करनी है, ठीक है। अगर जेंट्स की बात कर ले वो क्या करेंगे, अरे वो देखो भैया वो लड़की कैसी लग रही है, यही होता, अरे भैया यहाँ आ जाओ ना सिस्टम में, पहले पैसा तो कमा लो, गर्लफ्रेंड बारह बना लेना, तो कोई मानने को तैयार नहीं, चलो कोई बात नहीं। सिस्टम में जब मैंने आना शुरू किया, अपनी टीम को समझाना शुरू किया कि देखो जी यहाँ पे खड़े हो गए तो पैसा आएगा, पैसा तो आएगा, मेरे को आना शुरू हो गया ना, आपको भी आएगा, लेकिन यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, वहां बैठ के पैसा नहीं आने वाला। लेकिन ये अभी भी मेरी टीम में लोगों को ज्यादा विश्वास नहीं है, मैं जब तक यहाँ खड़ा रहूंगा मेरा पैसा तो घटता रहेगा सर, अब मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा मेरी टीम में से बैठे मैं आपको बता देता हूँ, मैं जब यहाँ खड़ा हूं मैं बोलता रहूंगा मेरा पैसा बढ़ता रहेगा, मेरा मिशन था 2,00,000 रुपए पहुंचना, ठीक है सर, पिछले महीने का मेरा चेक आया 2,52,000 रुपए। अलाउड नहीं है, अलाउड नहीं है,
जिस कंपनी में काम करता था 1,70,000 की सैलरी थी पिछले महीने, उससे पिछले महीने आया था 2,03,000 रुपए, उससे पिछले महीने आया था 1,98,000, उससे पिछले महीने आया था 2,05,000 रुपए और अभी 2,50,000 रुपए का चेक आ गया। पहले टाइम नहीं हुआ करता था, अब टाइम टाइम है, अब टीम काम कर रही है। ठीक है सर, जब आप एक लेवल पर पहुंच जाते हो, एक क्राउन ट्रैक्टर का जो लेवल है यहाँ पर, हम बोलते हैं मिनिमम इनकम 1,00,000 से लेकर 3,00,000 रुपए महीना पाना। जानना चाहता हूं कि आप ऐसे कौन कौन तरह बनना चाहता है, हाथ खड़ा करें। जोरदार तालियां सबसे। देखो, सबसे बड़ा लोग कहते हैं मोटिवेशन, मैं कहता हूं ठीक है यार, मोटिवेशन होनी चाहिए, जरूरी है। ठीक है, मोटिवेशन होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड की लोग बात करते हैं आज की डेट में, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। लेकिन मुझे जो अभी तक समझ में आया सिस्टम में, जैसे कि मैंने बताया, जो मैंने सीखा है 2.5 साल के अंदर या 3.5 साल के अंदर, मुझे सीखा है कि एक सॉफ्टवेयर है जो आपके दिमाग में होता है, होता है ना सॉफ्टवेयर, सोचने का सॉफ्टवेयर। अगर आप पॉजिटिव एटीट्यूड का नाम ले लें उसको, मैं सोचता हूँ कि पॉजिटिव सॉफ्टवेयर है आपके दिमाग में होना चाहिए। जैसे आज आप जानते हो हर किसी के घर में कंप्यूटर है, जब कंप्यूटर किसी ने देखा होगा, जब किसी ने कभी ऑपरेट किया होगा, जब कभी लैपटॉप ऑपरेट किया होगा, ठीक है, उस कंप्यूटर के अंदर एक सॉफ्टवेयर होता है, होता है सर। उस सॉफ्टवेयर के अंदर क्या होता है कि हम कभी गलती से कोई पेन ड्राइव लगा दें या इंटरनेट से कोई डाउनलोड कर लें फाइल, तो डाटा क्या होता है, करप्ट हो जाता है। किसकी वजह से? वायरस की वजह से, वो वायरस आ जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो हम क्या करते हैं वो वायरस को निकालने के लिए, एंटीवायरस आते हैं, अच्छे से अच्छा एंटीवायरस ले जाते हैं मार्केट से। भाई मेरा सिस्टम खराब नहीं होना चाहिए, मैंने विंडोज 10 वाला लैपटॉप लिया है, 70,000 रुपए लगाए हैं, इसमें यार वायरस आ जाता है, मेरा काम ही नहीं हो पाता है ना, मैं 16 दिन लगा रहता हूँ वो चलता ही नहीं। तो मुझे बढ़िया सा एंटीवायरस दे दो, मुझे अपना सिस्टम ठीक करना, इसलिए ताकि वो सॉफ्टवेयर रन कर सके। तो सर हमारे दिमाग में जो सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, हम जब पहली मीटिंग में जाते हैं, जो नई ज्वाइनिंग है उनके लिए बोल रहा हूँ सर, हम जब पहली मीटिंग में जाते हैं अपने दोस्त के पास, भाई बहुत बढ़िया सिस्टम है, 1 रुपया लगाना नहीं है, लाखों रुपया कमा सकते हो, मेरे साथ आ जाओ। क्या जाता फंस गया, तू ही फंस गया, तेरे से नहीं हो पाया भाई, ना मेरे से हो पाया, मैं नहीं करता ये काम, तू ही कर ले भाई, तू फंस गया। ठीक है, दूसरा बंद वो दूसरे दिन जाता है अपने दूसरे रिश्तेदार के पास, वो भी उसको मना कर देता है, वो तीसरे दिन तीसरे दोस्त के पास जाता है, कहता भाई तू तो मान ले मेरी बात, हम सबको करके दिखाएंगे। ठीक है, रिश्तेदार नहीं मान रहे कोई बात नहीं, तू तो मेरा दोस्त है, मोटिया यार है मेरा, आजा भाई मेरे सब सिस्टम में आ, मैं तुम्हें तो सिखाऊंगा, यहाँ पर पैसा नहीं लगाना है और मैं तुम्हें पैसा कैसे कमाना है सिखाऊंगा, आ जाओ। हो गया कहता तो तेरे रिश्तेदार भी मान रहे भाई, तू कहाँ फंस गया यार, तू सोच अच्छी नौकरी करना था, जो भी कमा रहा था बढ़िया कमा रहा था, तू इस चक्कर में पड़ गया ना, अब तू खराब हो जाएगा भाई, तेरे बस की राय। वो जो तीन बंदों से मिलता है, वो जो उसकी अपना ही उसको फोन करती है, तो वो क्या हो जाता है, वो वायरस उसको अटैक कर देता है ना बोलने वाला। वो अपने को क्या बोलता है, नहीं सर मैं नहीं आऊंगा, मेरे से नहीं होगा सर। कहते क्यों नहीं होगा भाई, अरे तुम्हें उसने समझाया तो था सब कुछ। अरे नहीं सर, मैं तीन लोगों से बात करी, अपने बाबा से मना कर दिया, मैं कैसे काम करूंगा सर, कोई नेटवर्क नहीं बनता सर, बेकार ही काम है। ठीक है, अब वो आपका सॉफ्टवेयर उसने करप्ट कर दिया, आपके ही लोगों ने, जिनको आप पे पूरा विश्वास था कि वो आपके साथ आएंगे, उन्होंने क्या बोला, नहीं हो पाएगा, नहीं कर पाओगे, कहां लग गए तुम, फंस गए, बस तुम नेगेटिव हो गए। जितना भी तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड की बात कर ले, मोटिवेशन की बात कर ले, सब खत्म। तो अब हमें क्या करना चाहिए सर, इस नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हम वेस्टिज की बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके एक्टिव अपलाइन है आपके एंटीवायरस, उनके साथ बैठो, आधे घंटे का एक घंटे का सेशन लो, जो नहीं समझ में आ रहा वो पूछो, जो लोग आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं आपको आंसर करना नहीं आता उनसे पूछो, क्योंकि वो अपनी टीम को लीड करके एक आए डेजिग्नेशन पर पहुंचे हैं और 1,00,000 रुपए महीना वेस्टिज से कमा रहे हैं। सबसे बढ़िया एंटीवायरस आपकी एक्टिव अपलाइन, सबसे बढ़िया एंटीवायरस आपके सक्सेस सेमिनार में जाइए, महीने में एक दिन होता है हमारा सक्सेस सेमिनार, क्या दिक्कत है, अरे जाओ तो सही, सुनो तो सही, कितने लोगों की जिंदगी बदली है, कितने लोग अनगिनत,
जो वेस्टीज से पहले कुछ भी काम करता था लेकिन आज वेस्टीज में उनको ऐसी अपॉर्चुनिटी दी है जो आम आदमी एक खास आदमी बन चुका है। मुझे कहते थे भाई एक दिन आपको अपना किस्सा बताता हूँ, शिक्षा सेमिनार में मैं नहीं गया, सिद्धार्थ जी का फोन आया मेरे पास, मैं डायरेक्ट डाउनलाइन हूँ सर, ठीक है, तो जब भी डायरेक्ट डाउनलाइन जाती है तो उसका फल अपने अपलाइन से मिलना, तो मैं हर सक्सेस सेमिनार में सबके साथ ही होता था। इस बार ही नहीं गया तो सर का फोन आया कि भाई कहाँ हो, मैंने सर घर पे हूँ, घर पे क्यों आ, डेट क्या है, मैंने सर हाँ मालूम है आपका सेमिनार था, तो आप आई, मैंने कहा सर मेरे साथ आ नहीं रहा था, मुझे पता है सर सिस्टम के बारे में, तो मैं क्या करूँगा सर आगे मैनेज नहीं किया, भाई तो सब कुछ सीख गया, मैंने कहा सर क्यों क्या हो गया, तो भाई तुम्हें पता आज कौन आया था स्टेज पर, आज किसकी स्टोरी थी, सर नहीं, तो फिर मुझे कैसे पता, तुमने सिस्टम सेमिनार मिस कर दिया, जिस बंदे को कुछ पढ़ना लिखना नहीं आता आज वो 2 से 2.5 लाख रुपए महीना कमा रहा है, उसके बता रहा हूँ मोहम्मद मोहिंद की बता रहा हूँ, ठीक है, और वो बंदा अपने स्टेज पर आगे अपनी स्टोरी सुना के क्या तुमको पता उसके बारे में, मैं सर मुझे तो नहीं पता, कहते फिर आप आए क्यों नहीं, आप सब कुछ सीखते हैं स्टेज के बारे में, आप मेरे से ज्यादा जानते हो, मेरे तो घर बैठ जाना चाहिए, फिर तो मेरा उस वक्त का खून चेक होता था करीब 32 लाख रुपए का जब मैं सिस्टम में आया, ठीक है, तो 32 लाख रुपए का चेक जो कमा रहा है वो बंदा मुझे पूछ रहा है कि भैया तू नहीं आया तो उसके बाद मुझे भी घर बैठना चाहिए, तो तेरे को सब कुछ आ गया इस चीज के बारे में, सर गलती हो गई, कहता आज के बाद आपकी डाउनलाइन आए ना आए आपको आना है, सीखना किसको है, आपको सीखना है, तो लीडर किसको बनना है, सर मुझे बनना है, अगर आपको आना है, सर मैंने फिर सक्सेस सेमिनार में जाना रेगुलर शुरुआत की, उन लोगों की स्टोरी सुनता था और ऐसा लगता था कि इसमें करिश्मा जादू है, सर जादू की तरफ बातें हम जैसे बचपन में जादू देखते थे या अभी भी टीवी में जादू देखते हैं कितना अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो बंदा खड़ा स्टेज पे वो बोल रहा जी मैं पहले किसान था आज मैं सीढ़ी पे हूं, एक मर्सिडीज में घूम रहा है, एक फैशन डिजाइनर आज ऑडी में घूम रहा है, ठीक है, कैसे, मतलब आज कोई फोटोग्राफर है वो मर्सिडीज में घूम रहा है कैसे, मेरे को याद है कि जब मैं अपनी कंपनी में काम की करता था एक एमएनसी थी और मेरे जीएम में जो मेरी रिपोर्टिंग थी जैसे मैंने आपको बताया उनके पास मर्सिडीज हुआ करते थे, और मैंने अपना टॉप मॉडल लिया था फोर्ड फिगो डीजल का टाइटेनियम 8.5 लाख रुपए की गाड़ी, मैं सोचता था गाड़ी में ना पैसा लगाना बेकार है, जैसे शोरूम से बाहर निकलती है वैल्यू कम हो जाती है इसकी, ठीक है, मतलब जीएम के पास मर्सिडीज हुआ करती थी, कहते थे यार दूर ही ना करो कच कुछ हो गया मतलब पैसे देने पड़ जाएंगे, ठीक है, पहली गाड़ी हो या नहीं, जब मैं सिस्टम में आया सर तो मुझे पता लगा कि कार फंड कोई चीज होती है, आपको मालूम है कार फंड क्या होता है, 60,000 में कंपनी आपको देती है कार फंड लेने से आप अपनी गाड़ी ले सकते हो, अपनी मनपसंद गाड़ी ले सकते हो, कार फंड के बारे में जाना सीखा और सोचा कि सब किसी जल्दी स्टार ट्रेक्टर बनना पड़ेगा तभी कार फंड मिलेगा, ठीक है, मन में एक बात आ गई कि अभी तो मैंने नई गाड़ी ले ली है लेकिन अब छोटी मोटी गाड़ी नहीं लेनी, अब लेनी है तो लग्जरी कार लेनी, ठीक है, तो अभी 137 जब गाड़ियों की कार बुक लॉन्च होनी थी उसके फोटोशूट चल रहा था सर, उसके बारे में बता देता हूँ, मुझे पता लगा कि फोटोशूट चल रहा है और मैंने अपने बच्चों को बोला मैं चलो आज ऑडी लेके आती हूँ, ठीक है, तो मेरे बच्चे कहते पापा बीएमडब्ल्यू देख लेंगे साथ में, ठीक है बीएमडब्ल्यू देख लेंगे भाई, एसयूवी जो है उसकी Q3 आती है और इसकी X1 आती है, तो अपने बच्चों को लेके मैं ऑडी के शोरूम में चला गया, यही भी है सर कॉपरेटिव के अंदर, तो उनसे मैंने ऑडी देखी Q3 और बीएमडब्ल्यू देखी, बीएमडब्ल्यू के फीचर्स थोड़े से अच्छे थे जो ऑडी के प्रॉडक्ट मॉडल में, जैसे कि अगर मैं बात करूं मैप जैसे होता है गूगल मैप तो हम यूज करते हैं उसके अंदर नेविगेशन सिस्टम होता है, उसका ऑडी के अंदर अभी कोई फीचर नहीं था, ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी का कोई फीचर नहीं था जो बीएमडब्ल्यू में मिल रहा था, लेकिन जो मुझे फीडबैक मिला अपने लोगों से या जो वेस्टीज में भी ले चुके हैं बात की उन्होंने बोला बीएमडब्ल्यू से बेटर ऑडी है, तो आप ऑडी लेना अगर आप लोग लेने का विचार है तो, और लेकिन मेरे बच्चों ने बोला कि पापा इसमें ना वो फीचर्स नहीं है वो सब एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा तब जाके आएंगे, वरना वो नहीं मिल रहे थे फीचर्स, तो मुझे मैं वहां के सेल्समैन ने बोला कि सर नेक्स्ट ईयर ना हम नया मॉडल लॉन्च करने जा रहे हैं, ठीक
कि ऑडी जो है उसमें नई गाड़ी आ रही है उसके अंदर ये सारे फीचर्स कंपल्सरी होंगे। बिकॉज मैंने उससे पूछा, मैंने थिएटर है 10 लाख रुपए की गाड़ी है यार, सारे फीचर दे रही है, तुम यहाँ पे 50 लाख की गाड़ी दे रहे हो और तुम फीचर नहीं दे रहे। मैंने बोला सर ये पुराना मॉडल है हमारा Q3 का जो नया जर्मनी में लॉन्च हो चुका है, इंडिया में आएगा 2019 में सितंबर अक्टूबर के टाइम पे। मैंने ठीक है, अगर मेरे बेटे ने मुझे बोला कि पापा ये 50 लाख की गाड़ी लेने की सोच रहे हो, आप सोच रहे कि आपकी फोटो छपेगी और तब आपका बिजनेस बढ़ेगा, आपका सोचना ठीक है लेकिन आप गाड़ी नहीं बदल पाओगे क्योंकि वो सारे फीचर इसमें है नहीं, तो क्यों ना हम वेट कर लें थोड़ा सा। मोबाइल फोन तो है नहीं कि आपने आज खरीदा और कल बदल दिया, ठीक है कि भैया चलो कल नया अपडेट वाला मॉडल आ गया तो इसको बेच दो और नया ले लो। अब 50 लाख की गाड़ी लेनी है तो थोड़ा सा सोच समझ के लेते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है हम वेट कर लेते हैं। तो मेरी फोटो नहीं आई भैया तब लक्ष्मी कार को, क्योंकि मुझे बड़ा घबरा क्योंकि जब मैं वहां पर बैठा था गुड़गावा के अंदर लोगों की गाड़ियां देख रहा था और मन में यही सोच रहा था एक दिन मेरी भी आएगी। साढ़े 8 लाख रुपए की गाड़ी लेके सोच रहा था कि मैंने पैसे खराब कर दिए, महंगी गाड़ी नहीं लेनी चाहिए, मेरी सोच को बदला वैसे ही सर। मैंने नहीं सोचा था कि मैं सिर्फ लग्जरी कार अफोर्ड कर पाऊंगा। सर मैं आपको सच्ची बात बताता हूँ, मैंने अभी सिद्धार्थ जी से कुछ दिन पहले बात की, मैंने कहा सर ये फोर्ड मेरी 5 साल हो गए हैं, इसको भेज देता हूँ, डीजल मॉडल है सर, क्रेटा ले लेता हूँ जब तक ऑडी का नया मॉडल नहीं आ रहा। तो कहते लेनी है तो ऑडी लेनी है, क्रेटा प्रेटा पीढ़ी आएगी तेरी। कहता जिस दिन लॉन्च होनी है इंडिया में तो पहला नंबर गोविंद सिंह का होना चाहिए भाई। जिस दिन गाड़ी ऑडी लॉन्च होगी इंडिया में Q3 सर गोविंद सिंह की आएगी। मैंने कहा फोटो फिर सर को बोल के दोबारा छुपवा लेंगे, दो तो पहले सर को बोलेंगे सर एक कार बोल और बढ़ा दो इतना लोग और इकट्ठे हो गए मेरी फोटो उसमें आ जाएगी, तो क्या दिक्कत है? फोटो की प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, सोच बदलने की प्रॉब्लम है। अपनी तो हम बदल सकते हैं सर, दूसरों की बदलने में दिक्कत आती है। तो सबसे पहले हम जो आज यहाँ बैठे हैं सर, जैसे मैंने पूछा था कि क्राउन कौन बनना चाहता, सबने हाथ उठाया, तो सर डगमगाना नहीं है इस रस्ते से, सोच को बदलना नहीं है इस रस्ते से, पॉजिटिव एटीट्यूड अपने आप अंदर रहेगा, एक्टिव अपलाइन के साथ रहिए, सेमिनार में जाइए, CNT की मीटिंग अटेंड करिए, मोटिवेशनल वीडियो सर आज के डेट में क्या फ्री है, जियो ने क्या करा सर डाटा फ्री कर दिया, यूट्यूब पे जाओ सर हजारों वीडियोज है, हजारों मोटिवेशनल स्पीकर देखो सर कैसा फील लग रहा है। अगर आपके पास जाने का टाइम नहीं है, अपलाइन के पास बात करने का टाइम नहीं है, आप घर बैठ के रात को जब भी फ्री टाइम है आपके पास मोटिवेशनल स्पीकर को सुनिए, बुक्स को पढ़िए, वो एंटीवायरस हमेशा अपने पास रखो सर, अपने जितना मर्जी बोल लें वो वायरस भी आना चाहिए। अपने एक्सपीरियंस से एक गारंटी देता हूँ, पूरे पेपर भी लिख के दे सकता हूँ सर, अगर आज की डेट लिख लो और सिर्फ इस सिस्टम को 3 से 5 साल तक सीरियसली कर लो, 3 से 5 साल तक सर घर में ना पैसे की कमी होगी, ना पुराना घर रहेगा, ना पुरानी गाड़ी रहेगी, बच्चे विदेश में पढ़ेंगे और पैसा ही पैसा होगा सर आपके पास। मेरा मिशन था 2 लाख तक पहुंचना सर, मैं पहुंच चुका हूं और कुछ दिनों में मेरा मिशन है 1 साल के अंदर मेरा चेक 5 लाख रुपए का होना चाहिए। सर एक शिवम गोस्वामी जो यंगस्टर हमारा हीरो वो 4.5 लाख पे पहुंच गया सर, मोहिम साहब जो खुद बोलते हैं भैया मैं मोटा चाप हूं, मेरे साथ जर्नी गए थे सर अभी ट्रैवल फंड के बारे में मालूम है, मैं भी उस ट्रैवल फंड के बदौलत जर्मनी घूम कर आया, कभी जिंदगी में सोचा नहीं कि जर्मनी अपना पैसा खर्च करके जाऊंगा घूमने के लिए, क्योंकि लोग अक्सर उन जगह पे जाते हैं जहां पे अफोर्डेबिलिटी होती है। हकीकत है सर हम क्या करते हैं, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है ना सर वो सोचते हैं कि भैया आज हम थाईलैंड चले जाएंगे घूमने के लिए, बच्चों को घुमा के लाएंगे सस्ती जगह, ठीक है ये दुबई चले जाएंगे, या हम सिंगापुर चले जाते हैं, या हम मलेशिया चले जाते हैं, यूरोप का कोई नाम लेता सर, यूरोप का नाम वो लेता है जिसके पास सरप्लस मनी होती है सर, या कोई कंपनी की तरफ से चला जाए,
अगर किसी की अच्छी जॉब है तो कंपनी वाले उसको भेज देते हैं, चाहिए असाइनमेंट करके आ जाओ, ये प्रोजेक्ट वहां का है करके आ जाओ। तो इंसान को बदौलत वो मौका मिल जाता है यूरोप घूमने का। ठीक है सर, मेरे साथ क्या हुआ, अब टाइम ही टाइम है सर, ठीक है, फॉरेन ट्रिप अनाउंस हुआ, घर में कुछ पर्सनल प्रॉब्लम थी, मेरी टाउनलाइन जानते हैं, लेकिन मेरे बेटे ने मुझे बोला पापा आप जाओ, मेरे बेटे ने मुझे मोटिवेट किया, और क्योंकि मेरी वाइफ कोमा में थी, मैं बता देता हूँ आपको, मेरी वाइफ कोमा में थी, मेरा दिल लिख रहा है, अभी वो एक्सपायर हो गई, मेरी वाइफ एक्सपायर कर रही है 1 नवंबर को, तो वो उस वक्त कोमा में थी, मेरा दिल नहीं था, मन में वही होता ना कि घर में कोई बीमार हो तो आप फॉरेन ट्रिप कहाँ एंजॉय कर पाओगे। मेरे बेटे ने मुझे बोला कि पापा आप सबको बोलते हो फॉरेन ट्रिप मिलेगा, फॉरेन ट्रिप मिलेगा, फॉरेन ट्रिप मिलेगा, कोई नहीं मानता जब तक आप नहीं जाओगे, अपनी टीम से आप जाओ, अपने लोगों को दिखाओ, तब शायद वो नींद से उठे और इस काम को सीखने की तैयारी करें। तैयारी क्या होती है, जीत की तैयारी बहुत जरूरी है। तैयारी कैसे करते हैं हम लोग, हम लोग तैयारी करते हैं अपने अपलाइंस के साथ मिलके, इस मीटिंग में आके, सक्सेस सेमिनार में जाकर, ये तैयारी करना बहुत जरूरी है, अपने लोगों को दिखाना है। अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ अपना ही, मैं जब मैंने सिस्टम को शुरुआत किया और मैं अपने एक रिलेटिव के पास जलंधर गया, यहाँ से वो नेटवर्क मार्केटिंग करते थे, तो जब आपको मालूम पड़ जाए आपकी टीम में और आपके कोई रिश्तेदार या कोई पड़ोसी में नेटवर्क मार्केटिंग करता है, आपके मन में क्या आता है कि भाई इसको अपनी टीम में लेकर आओ, ऐसी होता ना सर, फिर मुझे अच्छी कंपनी मिली है जहां पे कोई पैसा नहीं चलाना है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, कोई टारगेट नहीं है, एक्यूमुलेशन प्लान है हमारा, जुड़ते हुए क्रम से हम आगे पहुंच जाते हैं, इतने सारे से लेवल मिल जाते हैं। और मैंने कहा सर मैंने वेस्टीज ज्वाइन की है, वो मेरे रिश्तेदार है और आप करना चाहोगे, मैंने सब पूरा समझाया, उन्होंने मुझे क्या बोला, अरे यार कहां फंस गया भाई तू, वेस्टीज वेस्टीज कई कंपनी आई और चली गई, तूने यार मत पढ़ दू, हमारी नौकरी अच्छी थी, तुम मुझे छोड़कर आ रहे, तुमने गलती कर दी। वो मेरी वाइफ की तरफ से रिलेटिव थे, मुझे कहते खाना खा के जाना, अब सर वो लंच देना, वो गिनाई जो थी ना नीचे नहीं उतर रही थी, जो रोटी मैं तोड़ के मुंह में डाल रहा था और हलक में नीचे नहीं जा रही थी, क्योंकि मन में ये चल रहा था कि इतनी दूर से आया हूँ दिल्ली से समझाने के लिए इस बंदे को, और ये बंदा बोल रहा है ये सब बेकार काम है, और मुझे कह रहा रोटी खा ले भाई, और रोटी कैसे खाऊ। मेरे साथ हरमिंदर भैया जो मेरे साथ है, उनकी वाइफ और भाभी जी, हम तीनों फ्रेंड, मैं सर रोटी खा के बाहर निकला, अपनी गाड़ी को स्टार्ट किया और वहीं पे बैठे एक बात बोली थी सर, आज आपके सामने शेयर कर देता हूँ। मैंने भैया को बोला जिस दिन लग्जरी कार लूंगा वेस्टीज से, जिस दिन अपनी दिल्ली में अपने रिश्तेदारों को अपनी डाउन लाइन को मिठाई बाद में खिलाऊंगा, सबसे पहले गंगा के घर में देने आऊंगा। उसने मुझे चैलेंज कर दिया था कि वेस्टीज जो है बिल्कुल बेकार कंपनी है, मैं उसी को ये साबित करना चाहता हूं। मैं उसको कार बुक दिखा रहा था पुरानी वाली, वो कहता सर ये किसी की फोटो छाप देते हैं यार, कौन सा किसको क्या पता किसकी फोटो लगी, ठीक है। तो मैं जिस दिन मैं लग्जरी कार लूंगा उस दिन सबसे पहले मिठाई का डिब्बा जलंधर में दूंगा, आगे बाबा जी का मत्था टेकने के लिए अमृतसर चले जाऊंगा। अपने लोगों का बुरा नहीं मानना है, उनका चैलेंज एक्सेप्ट करें, ठीक है, और नेगेटिव वायरस जो है ना सर आगे ना दे। सबसे अच्छा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ, मीटिंग में आइए, जैसे सिद्धार्थ जी कहते हैं कोई नहीं आ रहा आपके साथ, आप तो आइए, आप तो सीखिए। मैं अपने बेटे को भी ये बात बोलता, मेरा बेटा सिस्टम में अब वो सिल्वर डायरेक्टर है, तो मैं उसको बोलता हूँ बेटा सीएनटी करना सीखो, जब मैं सिल्वर हुआ करता था मैं सीएनटी करता था खड़े होकर पूरी की पूरी, जब डीएलसी भी बना था मेरी डाउनलाइन नहीं आती थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं खुद भूल जाऊंगा, सिस्टम में नहीं रहा, रिवाइज नहीं किया और क्या बोलना है मैं भूल जाऊंगा। इंसान के मन के अंदर, दिल के और दिमाग के अंदर कई सारी बातें कटी चलती है, घर की प्रायोरिटी, ठीक है, घर में दिक्कत जो है उसकी प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, जो भी कोई दिक्कत हो, जब कोई प्रॉब्लम है बीमार है घर के अंदर, जब कोई दिक्कत है, कोई बच्चों की एडमिशन नहीं हो रही या बच्चों की फीस भरनी है, जब बिजली का बिल ज्यादा आ गया,
कुछ भी मतलब तो हर हर किसी ने किसी जिंदगी के अंदर कुछ ना अप एंड डाउन चलता रहता है, तो वो क्या होता है अगर हम इस सिस्टम से हट जाते हैं ना तो वो चीजें भारी हो जाती है हमारे ऊपर। हम सर जितना मर्जी मोटिवेशनल वीडियो देख लें, जितना मर्जी मोटिवेट कर दें आपको, लेकिन वो सब चीजें जब भारी हो जाएगी ना सिस्टम से आप बाहर चले जाते हो तो वापस आना बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। तो मेरे साथ आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि सिस्टम में लगे रहिए, ये 3 से 5 साल आपकी जिंदगी बदल देगी। ये मैं आपको फिर दोबारा बोल रहा हूँ, पूरे कागज पे लिख के देने को तैयार हूँ। कि मेरी जो डाउनलाइन थी वो अपलाइन से आगे निकल गई। अच्छा है ना, आपको तो एलोवी मिलेगी भाई, सिस्टम भी ऐसा हमारा। जो मैं देखता हूँ कई लोगों को मैंने सुना है यहाँ पर वेस्टीज के अंदर, कई लोगों से यही बात होती है, वो कहते हैं सर मैं तो सर अभी गोल्ड हूँ, जो मेरे नीचे वाला है सर वो तो स्टार बन गया, मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। ठीक है सर, अगर वो क्राउन पहले बन गया तो मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा। लेकिन मेरे को एक बात समझ नहीं आती, अगर आपको मार्केटिंग प्लान के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो अपने अपलाइन से पूछिए, जो भी आपकी एक्टिव अप्लाई है उनके साथ बैठिए और सीखिए। यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं है कि हमारा डाउनलाइन अगर हमारे से ऊपर निकल जाए मेरे को तो बड़ी खुशी होगी भाई। मैं तो मेरे 6 बंदे जो है नीचे वाले वो न्यू सिटी बनते हैं। क्यों इतना रिस्पॉन्सिबल बन जाएंगे वो न्यू सिटी बन जाएगा और मुझे क्या मिलेगा सर, मेरा चेक कम होगा पड़ेगा। तो फिर ईर्ष्या किस बात की, ईगो किस बात की, एटीट्यूड किस बात का, अपने अपलाइन और डाउनलाइन का जो कॉम्बिनेशन है ना सर वो बहुत बढ़िया होना चाहिए। अगर आपकी एक्टिव अपलाइन है और आप कुछ नहीं कर रहे तो कोई फायदा नहीं है, और आपकी डाउनलाइन बहुत एक्टिव है और आप भी घर बैठे हो तो भी कोई फायदा नहीं है। दोनों को एक्टिव होना पड़ेगा सर, एक्टिव अपलाइन और एक्टिव डाउनलाइन, जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना आग लगा दोगे आग। सरल सिस्टम आप देख लो आज आराम से 2.5 लाख रुपए आ रहे हैं। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत और करेंगे यूसीडी बनूंगा तो 5 लाख तक पहुंच जाऊंगा। यूसीडी बनना मुश्किल नहीं है, 2 डायरेक्टर और तलाश करते हैं, मतलब ढूंढने तलाश मैं नहीं कर सकता, ढूंढने हैं। ठीक है, तो ढूंढने में क्या है, कई लोग क्या बोलते हैं अरे सर 6 लोग कहां से मिलेंगे सर, मैंने तो स्वप्नों में बना कर दिया 6 लोग तो मिल नहीं सकते। सर मैंने सिस्टम में आके देखा है कि जब भी हम अपने बच्चों का रिश्ता करते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, अगर रिश्ता नहीं मिलता या लड़के के लिए लड़की नहीं मिलती या लड़की के लिए लड़का नहीं मिलता तो क्या थक के हार के बैठ जाते, बच्चों को बोल देते नहीं बेटा सॉरी यार वी विल नॉट डू इट, तेरी शादी नहीं करनी है, तू बैठ जाते। ऐसा होता नहीं सर, कितने मेट्रोपॉलिटन साइट्स चले जाते हैं, कितनी अखबारों के अंदर अपना इश्तेहार दे देते हैं। ठीक है, क्या करते हैं कोशिश करते रहते, कोशिश करते रहते, वो कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जो क्राउन बना देंगे 1 से 3 लाख रुपया आना शुरू हो जाएगा। जब जेब में पैसा आता है ना सर, लाइफस्टाइल तो बदलता है, सोच भी बदलती है। इस नेटवर्किंग ने मुझे काफी कुछ बदल दिया। इस नेटवर्क मार्केटिंग में आने से पहले मैं बहुत गुस्से वाला हूँ, बहुत गुस्सा था मेरे में, लोग मुझे जो जानते हैं वो कहते हैं मैं बहुत गुस्से वाला था। मेरा बेटा तो मुझसे बोलता है, मेरे से बड़ा बेटा है अब वो बोलता है कि पापा छोटे भाई को कुछ नहीं बोलते। मेरे टाइम में तो आपने मेरे पूरा घंटा दिया हुआ था, तो आपके पेपर थे टेंथ के, बेटा पढ़ो, अब उसके टेंथ के पेपर है अभी मेरे छोटे बेटे के, तो मैं उसको क्या बोल रहा हूँ ठीक है यार आगे
सोच रहे थे वेस्टिज के बारे में? मैं तो आराम से सोच के बैठा हूँ भैया, लाइन लगी बढ़िया आराम से बनाएंगे। सीधी सी बात है, हकीकत बता रहा हूँ मैं आपको, टेंशन लेने की बात की है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हमारी मैनेजमेंट ने बना दिया, एक बार जोरदार तालियां गौतम वाली जी के लिए। आप खुद सोचो, आज हम मल्टीनेशनल बन चुके हैं, कितनी कंट्रीज में वेस्टी जा रही है। अगर एक एक लाइट भी वहां मिल जाए, एक एक बंदा भी वहां मिल जाए आपको, आज बहरीन में एक मिल जाए, बांग्लादेश में एक मिल जाए, सिर्फ एक आदमी आपका जो आपको जानता हो। हरजीत जी मेरे साथ, हरजीत जी कहते हैं नाइजीरिया कब शुरू हो रहा है मेरा बंदा है। क्यों उनको पता है? एक नाइजीरिया में ट्रैक्टर आ गया, पैसा तो यूएस डॉलर में आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? तो अगर आपको मिल गया, जैसे हमारे साथ दिलीप जी बैठे, इनका एक डाउन लाइन है, वो नेपाल में है, अब वो नेपाल में काम कर रहे। तो एक एक डाउन लाइन भी अगर हमें वहां मिल जाए, जहां जहां हमारी कंपनी जा रही है, इंडिया में तो 6 बंदे ढूंढ लिए हमने, आगे अगर एक एक लाइन और मिल जाए तो सोचो आपका चेक कहां जाएगा। वो बाली जी कह रहे सोच रहे की हिम्मत तो करो, ये कोई सपना नहीं दिखा रही कंपनी आपको, या मैनेजमेंट में सपना नहीं दिखा रही है। अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, कुछ दिनों में वेस्टिज के प्रोडक्ट्स और बढ़ने वाले हैं। जो मुझे मैनेजमेंट के साथ बैठ के मेरी जो बातचीत हुई और जो मुझे पता लगा लीडर्स के साथ जो बातचीत हुई है कि कुछ प्रोडक्ट्स वेस्टिज और बढ़ा रही है अपने, उससे क्या होगा हमारा बिजनेस क्रम होगा कि ज्यादा होगा? ज्यादा। अब टॉयलेट क्लीनर 10 दिन से खत्म होगा, टॉयलेट क्लीनर लॉन्च होने जा रहा है वेस्टिज के अंदर, हाई वेस्टिज के अंदर। पीवी पड़ेंगे ना हमारे, 60% पीवी मिल रहे हैं भाई, वहां पे यहाँ पे तो कम मिलते थे ना। तो इसलिए हमारे का बिजनेस बढ़ रहा है, कंपनी बढ़ रही है, तो हमारी सोच छोटी क्यों होती जा रही है? हम क्यों डगमगा जाते हैं फिर बीच बीच में से? क्यों शक करते हैं अपने ऊपर, अपनी काबिलियत के ऊपर, ये अपनी डाउनलाइन के ऊपर? क्यों नहीं करना चाहिए हमें? काम विश्वास रखिए अपने ऊपर, अपनी डाउनलाइन के ऊपर, इस कंपनी के ऊपर, कंपनी के मार्केटिंग प्लान के ऊपर, कंपनी के मैनेजमेंट के ऊपर। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगले 3 से 5 साल अगर आप सिस्टम में रह के इस काम को कर लो, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। यू विल बिकम, वो कहता ना, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ तो सुधरेगी सुधरेगी, वेल्थ ही तो आप बनने वाले हैं। वेस्टिज का मिशन ही यही है कि घर घर जाके हमें अवेयरनेस करनी है। जो मानेगा वो अपना भला करेगा, जो नहीं मानेगा वो वापस आएगा आपके पास कुछ टाइम के बाद। मेरी कुछ टाइम पहले जब मैं कॉर्पोरेट में था, एक दिन शिवम गोस्वामी से मेरी मुलाकात हुई, अपने बच्चों को जो मेरे यंगस्टर की टीम है उनके साथ मैंने मिलवाया था, तो शिवम गोस्वामी मेरे टीम को बता रहे थे, मेरे यंगस्टर जो मेरी टीम में है वो बता रहे थे कि शिवम गोस्वामी ने बोला कि सर जब मैंने सिस्टम को ज्वाइन किया और अपने दोस्तों के पास गया, उनको बोला कि भैया 1000 रुपए का सामान ले लो, वो कहते ना कि जो दोस्त होते हैं ना वो कहते हैं त्रिलियन जान दे देंगे भाई क्या बात कर रहा है, उन्होंने 1000 रुपए का सामान तक नहीं लिया। लेकिन आज वो लोग मेरे पास वापस आए हैं और मुझे पूछ रहे हैं कि भाई उन्हें सही नहीं समझाया था, आज समझा रहे थे। सर मैं सीखने में गया, तो आप ये मत समझे कि आपके लोग आपको मना कर रहे हैं तो आपकी वो अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है, ऐसा नहीं है। आपकी सफलता के आने के बाद मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वो लोग भी आपके पास वापस आएंगे। उनको बुरा भला मत बोलिएगा, उनसे रिलेशनशिप खराब मत करिएगा, ये मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है। बिकॉज यहाँ पे हमें अगर लीडर बनना है, एक अच्छा लीडर वही होता है जो हम्बल हो। कभी भी अपनी अपलाइन की बुराई मत करिए, कभी भी अपनी डाउनलाइन को कुछ बुरा मत बोलिए। आपकी जो यहाँ पे सक्सेस है वो कोई भी नहीं हो सकता। थैंक यू वेरी मच, विश यू वेरी मच।